जैसे ही नागिन वाला गाना बजता है हमारी बीवी अपनी असली रूप में आ जाती है। आखिर क्यों हमारी बहन को पार्टी से धक्के मार के निकाला जाता है? आखिर क्यों बारातियों ने दूल्हे को ही किडनैप कर दिया? छाती ठोक के बोलने का हम लड़के वाले। यस ए हम बाराती हैं। भाई सुन, कुछ बाराती बहुत उछल रहे हैं। गार्ड्स को बोल के सीधे उनके छाती में गोली मारो। क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा दो यार। मेरे यार की शादी में अब सबका स्वागत है। अबे ए बंटी, अभी भी टाइम है, नीचे उतर जा। क्यों, तू नहीं चाहता मेरा वंश आगे बढ़े? ठीक है फिर। वो छोड़, दवा दारू का बंदोबस्त हुआ है ना? दारू तो नहीं, पेप्सी मिलेगा। अबे कौन है यार ये? ए तू जा, अकेले ही जा बारात में। दारू नहीं है बोल रहा है। जैसे ही ये खबर फैलती है बारातियों में हड़कंप मच जाता है। फिर गुस्से में कुछ बाराती दूल्हे को किडनैप कर देते हैं। We want दारू। I want one glass water, one glass beer. Oh my dear, happy new year. भाई मुझे बकड़ी रम चाहिए। मुझे McDonald's number one चाहिए। भाई मुझे हंडिया चाहिए। हाँ ओके। अबे चिंटू, दो पेटी रम लेके आ, जल्दी आ यार। ओके। जैसे ही दारू का बंदोबस्त होता है, खुश होके बाराती वापस दूल्हे को गाड़ी में बिठा देते हैं। ये बाराती बहुत थकेली है, कोई नाच ही नहीं रहा है। सब बस फोकट का दारू और खाना खाने आए हैं। ये देख लड़के वालों ने ऐलान किया, जो कोई भी नहीं नाचेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बाराती गुस्सा होकर फिर दूल्हे को किडनैप करने निकलते हैं। पर इस बार दूल्हा अपने हथियार से गोलीबारी शुरू कर देता है। फिर क्या था, डर के मारे क्या बच्चे क्या बच्चों की माँ, सब नाचने लग जाते हैं। अबे एक घड़ी क्या है नाच, वरना खाना नहीं देंगे ये लोग। देख रहे हो दोस्तों, बाराती में फ्री में खाना खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? पैर दर्द कर रहा है। अरे पागल औरत, ऊपर देख, ड्रोन हम पे नजर रखा हुआ है, कोई नाच रहा है कि नहीं देखने के लिए। इन्हें कौन बताए कि मैं यहाँ बस फोकट का खाने के लिए आया था? 2 सेकंड खड़ा ही था कि ड्रोन की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। भागो, 10 रुपए की पेप्सी, सिटी बाई सेक्सी। अरे थैंक यू यार। अरे अंकल पगला गए हो क्या, मुझे नीचे उतारो। नॉनसेंस, अपने बाप को अंकल बोलता है। अरे डीके बॉस अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, नशे में आपने गलत बच्चे को उठा लिया। अरे बोलना था ना। मेरे को गिरा दिया मायो। ऐसे भीड़ में नाचूंगा तो दूल्हे को पता कैसे चलेगा कि मैं नाच रहा हूँ बोल के। फिर मैंने दूल्हे के सामने नाचना शुरू कर दिया। भाई अब तो जाने दे हमको खाना खाने के लिए। इतने में नहीं मानने वाला। अबे तू क्या गब्बर सिंह है, हमको बसंती समझ रखा है यार इसने, तब से बस नचाए जा रहा है। जैसे ही नागिन वाला गाना बजता है हमारी बीवी अपनी असली रूप में आ जाती है। दूल्हे को रहने दो, पीछे हम मस्त खा के निकलते हैं। अंदर छाती ठोक के बोलने का हम लड़के वाले। यस हम बाराती हैं, बाराती ए हम बाराती हैं। अंदर एंटर करते ही एक अजीबोगरीब प्राणी आके लड़कियों से हाथ मिलाता है, जिसे देख हमारी बीवी डर जाती है। फिर जैसे ही उस प्राणी की नजर हमारे ऊपर पड़ती है, वो समझ जाता है कि उसकी लगने वाली है। फिर चुपके से वो वहाँ से निकल जाता है। अरे बाप रे, ये तो किसी हाई प्रोफाइल शादी से कम नहीं लग रहा है। चारों तरफ बाउंसर्स, बॉडीगार्ड, सिर्फ आर्मी वालों की कमी है। तेरी शक्ल गंदी श्री। अरे देख के मेरा वायर टूट जाएगा। अरे आप वही हो ना, बिन बुलाए दूसरों की शादी में खाते हो। अरे लड़की याद है ना, हम लड़के वाले हैं, किसी से नहीं डरने का। एक्सक्यूज मी सर, ये प्लेट हमें दीजिए। छोड़िए छोड़िए, हम लड़के वाले हैं। ओह नो, ये क्या बात हुई यार। एक्सक्यूज मी भैया, एक मोमोज दीजिए। हम लड़के वाले हैं, दो ज्यादा डालिएगा। मजा आ गया, चलो चलो डालो। ओके। अरे जल्दी डालो, इतना लेट करते हो यार, मैं खुद ले लूं क्या? ओके मैडम ले जाओ। ठीक है चलो छोड़ो। गाय भैंस की तरह जो भी सामने आया हम सब खा जाते हैं। अबे इतना सा क्यों लाए रे? अबे पागल, ये मेरा 5वीं बार है। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, हम बाराती हैं, हमको पहले दीजिए। चलिए हटिए सब। आहा, अबे ये क्या है? ओ तेरी लैंडमाइन। अबे इन्हें शायद हमारे बारे में पता चल गया है, हमें बॉम्ब से उड़ाने की साजिश हो रही है। अबे देख के फटेगा। भाई सुनना, ये भैया बोल रहे हैं सिद्धि दास की बहन सब कुछ खा जाएगी, उसको कुछ भी मत दो। अरे ऐसा बोला आपने भैया? हां सिद्धि भैया। अबे तुझे गाली देना है इनको, वरना मैं चली यहां से। Oh no! मेरे ननद को ऐसे बोले तुम? Yes. भाई बी केयरफुल, वो स्टॉल में 2 लोग बात कर रहे थे हमारे बारे में कि हम लोग बहुत खा रहे हैं। ऐसा क्या, अब इस तरफ नहीं आने का, उस तरफ के स्टॉल में चलते हैं। इस बीच सबका ध्यान दुल्हन की तरफ आ जाता है, जिनकी एंट्री महारानियों की तरह होती है, जिन्हें देख दूल्हे राजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन भंगड़ा करते करते स्टेज में चढ़ जाते हैं। डार्लिंग गिर मत जाना, वरना सिद्धि दास वीडियो वायरल कर देगा। हाँ यार, उसी वजह से फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है। अरे बंटी, भाभी के ऊपर हाथ रख के कसम खा, पराई औरतों को नहीं देखेगा।
जाएगा। ठीक है भाभी की कसम खा के कहता हूँ पराई औरतों को, भाभी हमारी है तेरी नहीं। अरे सॉरी सॉरी है। बधाई हो बंटी, अब तेरे लगने वाले। अरे डरा क्यों रहा है भाई, इस खुशी में अग्नि वर्षा किया जाता है। ये सब देख हमारी बीबी इमोशनल हो जाती है क्योंकि हमारी शादी में ये सब कुछ नहीं हुआ था। अरे टेंशन मत लो, दूसरी बार शादी करेंगे और ये सब हम भी करेंगे। हाँ पर शादी तुम किसी और से और हम किसी और से करेंगे। फिर दूल्हा दुल्हन खड़े रहते हैं और जमीन गोल गोल घूमने लगती है। ये सब क्या हो रहा है पापा, तेरे को क्या करना है रे? तुम कब शादी कर रहे हो? मेरी शादी इस जन्म में नहीं होने वाली है भाभी। ये भाई ने कसम खाया है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स ना होने तक मेरी शादी नहीं कराएगा। और मुझे पता है इस जन्म में 1 मिलियन होने से रहा। भाई देख तेरी छोटी सी फॉलोअर। हेलो बेटा, क्या आप मुझे पसंद करते हो? मम्मी छोड़ मुझे, इसको जूते से मारूंगी मैं। अरे बाप रे, दुल्हन मंडप छोड़ के बाहर क्यों आ गई? भाई सुन, कुछ बाराती बहुत उछल रहे हैं। गार्ड्स को बोल के सीधे उनके छाती में गोली मारो। अरे दीदी, गार्ड्स के पास बंदूक तो है पर उसमें गोली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मुंह से ठाए ठाए आवाज निकालने बोल दे। हमें ये भनक भी नहीं थी कि हमारे पीछे इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। फिर हमारा ध्यान इस आकर्षक स्टॉल पे पड़ी जहाँ शानदार पान मिल रहे थे। बिना देरी के हम वहाँ भी पहुँच गए। भैया हम बाराती हैं, जरा एक्स्ट्रा डालिए। ओके मैडम, ये लीजिए। अबे ये क्या हो गया, ये पान सिगरेट पी रहा है क्या? हमारी इन सब हरकतों को लड़की वालों के गार्ड्स ने देख लिया। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ भैया? मैं आप लोगों को शुरू से नोट कर रहा हूँ, 3 घंटे से आप लोग नॉन स्टॉप खाए जा रहे हो। चलिए बाहर चलिए। अरे हम लड़के वाले हैं, हम भी सिक्योरिटी वाले हैं, चलिए। ये हमारी तोहीन है। दोस्तों बहन को क्या बेइज्जत करके भगाया यार, पर थैंक गॉड मुझे बहुत प्यार से भगाया इन लोगों ने। सर आप प्लीज यहाँ से दफा हो जाइए। थैंक यू सो मच। अबे इतनी रात को ऑटो तो नहीं मिलेगा। अरे सुन, जिसकी भी गाड़ी खड़ा होगा बाहर, सीधा उसके गाड़ी में घुस जाने का और बोलेंगे उसको हमें ड्रॉप करने के लिए। जल्दी चल, जल्दी घुस जाते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? भैया प्लीज हमें घर ड्रॉप कर दीजिए ना। अरे तुम तो वही हो ना जो शादी में मेरा प्लेट छीन के भागी थी। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, यूजर आईडी है सिद्धि दास ऑफिशियल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए।